हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। लेके आया हूँ मैं आपके लिए एक नया वीडियो। आज मैं आया हूँ ताजमहल घूमने के लिए, जो कि 7 अजूबों में से एक अजूबा है, बहुत ही खूबसूरत है। तो इसकी कंप्लीट डिटेल मैं आपको बताऊंगा, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों टिकट हमने ले लिया और टिकट लेने के बाद हम लोग वेस्ट गेट से एंट्री कर रहे हैं। इसकी एक एंट्री और है जो कि ईस्ट साइड से है, ये हमारी पार्किंग के पास थी तो हम यहाँ से एंट्री कर रहे हैं। और जो इसका टिकट प्राइस है वो सिर्फ 50 रुपये है, लेकिन इसके अलावा एक एडिशनल टिकट भी है जिसका प्राइस तकरीबन 200 रुपये है। उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा, तो इस वीडियो को आप देखते रहिएगा। हमने एक गाइड भी किया था जो हमें ताजमहल की हिस्ट्री के बारे में बताएगा, और वो हमें एक शॉर्टकट रास्ते से भी लेके जा रहा है। अभी हम एक शॉर्टकट रास्ता से जा रहे हैं ताजमहल के लिए, जो वैष्णो गेट की तरफ से भी पड़ता है, जो 500 मीटर दूरी है यहाँ से ताजमहल। तो जब शाहजहाँ का यहाँ पर शासन था, तब उनकी वाइफ का जो 14वां बच्चा हो रहा था, तो इतना दिक्कत हुई थी कि उनको मतलब लगा कि शायद ही मैं बच पाऊँ। तो उन्होंने अपने हस्बैंड मतलब शाहजहाँ को बुलाया, अपने हाथ में हाथ लेकर उन्होंने बोला कि मेरी एक लास्ट इच्छा है, वो मेरे को मतलब मेरी पूरी कीजिए। तो शाहजहाँ ने पूछा क्या है वो, तो मुमताज़ ने बताया कि आप मेरे को ऐसा कोई निशानी, प्यार की निशानी दीजिए जो दुनिया याद रखे। अब मुमताज़ तो कह के मर गई, मतलब चल बसी। अब शाहजहाँ क्या दे सकता है डेड बॉडी को, ना ही कोई चूड़ी, ना ही कोई बैंगल्स वगैरह, कुछ ऐसा नहीं। तो ऐसा देना चाहते थे जो दुनिया याद रखे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसी चीज़ दी जाए जो धरती पर ना हो। धरती पर सब चीज़ें, लेकिन एक चीज़ नहीं है, स्वर्ग, जन्नत। उन्होंने बोला क्यों ना उस मकबरे को, जिस जगह उनकी कवर रहेगी, उसको ऐसा बनाया जाए कि ऐसी दुनिया में कोई वो ना हो। तब उन्होंने मतलब ऐसा बनाया, मतलब ये ताजमहल। तो ताजमहल बताना चाहूँगा कब बना, वो था 1631। 1631 में मुमताज़ की डेथ हुई, तभी से ये बनना स्टार्ट हुआ। इसको टोटल 22 साल लगे थे बनने में, और इसको 20,000 वर्कर्स के द्वारा बनाया, जिसमें से 6,000 वर्कर्स ईरान से बुलाए गए थे। ईरान है ना अपना, वहाँ से। और उस समय इसकी जो कीमत थी बनने की, 4 करोड़ रुपए का खर्चा आया था, और मतलब इसमें 16 जगह से पत्थर आया था, जिसमें 8 जगह भारत में ही है और 8 जगह भारत से बाहर है, जैसे ब्राज़ील है, रशिया है, चाइना है, ये चीज़ है। तो टोटल 16 जगह, जिसमें से लाल पत्थर है वो और ताजमहल है, जो मेन ताजमहल वो व्हाइट संगमरमर है, राजस्थान यहाँ से 350 से 400 किलोमीटर दूर से आया है। और जितना भी ये ताजमहल का जगह है, जैसे ये पार्किंग है, ये पार्क आप चल रहे, ये टोटल 42 एकड़ जगह है, जो जोधाबाई के भाई राजा जयसिंह राणा जी जयपुर के राजा थे, उनकी जगह थी। बाद में शाहजहाँ ने उनसे मतलब 5 महल देकर उनसे जगह ली, और आगरा ही का सुना, आगरा सबसे ऊँचे पर है, मतलब सब जगह बाहर आ सकती है, लेकिन आगरा में बहुत ही नाच बराबर। एक गार्डन है इस तरफ, है आप देख पा रहे हैं सामने ही उसके, और दो ही गार्डन उस तरफ उस गेट की, जब आप आएंगे तो आपको दो गेट का गार्डन मिले, टोटल 4 गार्डन एंड 4 गेट। मैंने आपको 3 गेट के बारे में बताया, चौथा गेट मेरे पीछे देख पा रहे हैं उसको, वो रॉयल गेट, शाही दरबार। ये एक मेन एंट्रेंस गेट है, यहाँ से आप ताजमहल के लिए डायरेक्ट एंट्री करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले मैं आपको बताया था कि ताजमहल को बनने में 22 साल लगे, तो 22 साल का एक निशानी है। देखिए ये पीछे रॉयल गेट दिख रहा है, उस पर एक छोटा छोटा गुम्बद दिख रहा है, बॉयज व्हाइट वाला। अब मुझे छोटा छोटा गुम्बद दिख रहा है, वो आपका फ्रंट की तरफ 11 है और बैक की तरफ भी 11 है, टोटल 22 गुम्बद है। 22 का मतलब हो गया 22 साल बन के तैयार हुआ, और ये 1653 में बन के तैयार हुआ है, तो 1653 का भी यहाँ निशानी है। वो रॉयल गेट के बाद जब ताजमहल के लिए अंदर जाएंगे, वहाँ पे वो निशानी है, मैं वहीं पे आपको कवर करूंगा उसके लिए। लेकिन रॉयल गेट के बारे में कुछ चीज ऐसी है जो आपको जानना जरूर लिया, जैसे कि रॉयल गेट चारों तरफ से एक जैसा बना है, बोले तो सिमेट्रिकल बना है, उसमें कोई भी इससे डिफरेंस नहीं है। और रॉयल बस एक ही डिफरेंस है कि सबसे पहले हम अगर रॉयल गेट को ढंग से देखेंगे, तो बाहर की तरफ उर्दू में कुछ लिखा हुआ है, वो उनकी सुबह की नमाज होती थी, प्रेयर होती थी। और उधर से भी आप जब आएंगे ना, तो वहाँ पे भी आपको उर्दू में कुछ दिखेगा, लेकिन वो शाम की नमाज है, बोले तो शाम की प्रेयर, जाते समय सुबह की प्रेयर है, आते समय शाम की प्रेयर। इसके अलावा कुछ भी ऐसा डिफरेंस नहीं है इसमें, रॉयल गेट में चारों तरफ एक जैसा ही दिखेगा आपको। इसकी टोटल जो हाइट है 205 फीट की है। ये हमारा वेस्टर्न गेट है, ये हमारा ईस्टर्न गेट है,
और ये हमारा साउथ वाला गेट है और दिस इज रॉयल गेट। ये वो रॉयल गेट जिसे पार करते हुए आप सीधे ताजमहल की तरफ जाते हैं, और जब आप इसके अंदर से जा रहे होते हैं तो ताजमहल आपको दिखना शुरू हो जाता है, बहुत ही खूबसूरत व्यू आपको नज़र आना शुरू हो जाता है। ताजमहल का बहुत हिस्ट्री है। सबसे पहला ये हिस्ट्री है, ताजमहल का जो हाइट है 243 फीट, कुतुब मीनार के लगभग लगभग बराबर ही है, और इसमें चार पिलर हैं, मीनारे हैं और चारों ही मीनारे हैं। बाहर की तरफ थोड़ी सी झुकी है, 3 डिग्री बाहर की तरफ झुकी हुई है। ये झुकी मतलब ऐसा है कि 400 साल पहले ही जो आर्किटेक्चर थे इसके, उन्होंने भूकंप, कभी भूकंप अगर आता है तो ये चारों मीनार नए बिल्डिंग में ना गिरे, बाहर की तरफ गिरे, इसीलिए चारों मीनारों को थोड़ा टेढ़ा करके बनाया गया। बारे में बताया अभी हमने ताजमहल के बारे में बताया। ताजमहल में और भी चीज है देखने के लिए, जैसा अभी थोड़ी देर मैंने आपको पहले बताया था कि ये 22 साल में कम्प्लीट हुआ था, तो मैंने आपको 22 के लिए वो गुम्बद दिखाई थी रॉयल गेट में। ऐसे एक चीज और बताना चाहूंगा, ये 1653 में बनके तैयार हुआ था, तो ये 1653 का एक निशानी है यहाँ पे। जैसे कि मेरे साइड में आप जो पार्क देख पा रहे हैं, ऐसा टोटल यहाँ पर 16 पार्क हैं, मतलब 8 इस साइड हैं, 8 आपका बीच से उस साइड है, मतलब फुहारे को उस साइड है, टोटल 16 है। और ये बीच में आपको कुछ चलते हुए फुहारे दिख रहे होंगे। ये रॉयल गेट से स्टार्ट होकर और ताजमहल के लास्ट तक जाते हैं, बीच में एक रेक्टेंगल शेप में भी है, मतलब चारों तरफ फैले हुए हैं ये फुहारे। तो ये फुहारे टोटल 53 फुहारे हैं, 16 गार्डन में 53 फुहारे को आप मर्ज करेंगे, एक आपको डिजिट मिलेगा, वो होगा 1653। 1653 फाउंटेन आप मिलाएंगे, मर्ज करेंगे एज ए पजल के रूप में, तो 1653 का आपको निशानी मिलेगा। तो ये एक सिंबल है, इट इज अ सिंबल ऑफ ब्लेसिंग ईयर ऑफ द ताजमहल, मतलब ताजमहल जिस साल को बन के तैयार होता उसका ये निशानी है। अभी मैंने आपको ताजमहल के बारे में बताया, आप देख सकते हैं वो खूबसूरत इमारत है जिसके अंदर शाहजहां और मुमताज का दो ग्रेव हुए, और टोटल इसमें 8 आर्चेस हैं, वो 8 आर्चेस इसलिए क्योंकि वो बनाया इस तरीके से सिमेट्रिकल। जैसा कि आप ताजमहल सामने से देख रहे हैं मेरे, अगर आप बैक से देखेंगे या लेफ्ट एंड राइट से देखेंगे, आप चारों तरफ से एक जैसा ही वो सिमेट्रिकल आपको ताजमहल लगेगा। उन्होंने जन्नत के रूप में बनाया था, इसीलिए ऐसा चीज बनाया है। और मेरे ताजमहल के बगल में आपको एक बिल्डिंग नजर आ रही होगी जिसकी अभी गुम्बद आपको व्हाइट व्हाइट दिख रही होंगी, ऐसे ही सेम आप राइट की जगह लेफ्ट पे जाएंगे, ताजमहल के लेफ्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे भी सेम आपको एक ऐसा बिल्डिंग मिलेगा, बिल्कुल सेम है, लेकिन दोनों ही अलग अलग का काम है। लेफ्ट की तरफ आप जो देख पा रहे हैं वो आपका रॉयल मॉस्क था उस समय का, आज जो मॉस्क ही है, उसमें हर फ्राइडे को मतलब शुक्रवार को नमाज होती है और फ्राइडे को टूरिस्ट के लिए ताजमहल क्लोज रहता है, बंद रहता है। और राइट की तरफ आप जो बिल्डिंग मैंने दिखाई थी सेम है, वो उस समय का गेस्ट हाउस है, मतलब बादशाहों के जितने कजन्स या लोग आते थे वो इसमें ठहरते थे उस समय, लेकिन अभी बादशाहों का कोई भी जनरेशन नहीं बची है, अब वो बंद कर दिया गया है लाल किले। दिल ये चल रहा था अकेला, लेकिन तू दिखा और गेम इसने भी खेला, अब तो ख्वाब तेरे ये देखे। अब हम आ चुके हैं ताजमहल के इस भाग में, जिस जगह हमारे को रॉयल मस्जिद, मैंने आपको पहले ही बताया था रॉयल मस्जिद है ताजमहल के लेफ्ट साइड में, इधर की तरफ ये रॉयल मस्जिद है। पहले कभी ये मस्जिद
ओपन थी टूरिस्ट के लिए, लेकिन कुछ विवादित बयानों और कुछ विवादित लोगों की वजह से ये अब बंद कर दी गई है। मतलब अब इसमें टूरिस्ट लोगों का, मुसाफिर लोगों का जाना अलाउड नहीं हुई है। अब इसमें ओनली ऑन शुक्रवार को नमाज होती है। जो यहाँ पर लोकल्स नमाजी हैं जो आगरा से बिलोंग करते हैं, उनको आईडी दिखाकर एंट्री मिलता है शुक्रवार को दोपहर में 12 बजे से 2 बजे तक पूरा टाइम रहता है इसका। और नमाजी सबसे पहले आकर, जो यहाँ पे एक टैंक बना था पहले, कभी फुहारा था, फाउंटेन था, वो आज वजू खाना बना हुआ है वहाँ पे। वो अपने हाथ और पैर धोकर, मतलब वजू करके और हाथ पैर को पहुँच कर तब इस मस्जिद में जाते हैं और इस मस्जिद में नमाज अदा करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग रोचक बात ये है कि ये मस्जिद है जो वेस्ट की तरफ क्यों है, पश्चिम की तरफ क्यों है, क्योंकि इसका एक लॉजिक है। जो सऊदी अरेबिया में जो काबा है, मक्का मदीना है, वो पश्चिम की तरफ है, इसीलिए इसका जो मुख है वो पश्चिम की तरफ है। मतलब जो नमाजी लोग हैं वो पश्चिम की तरफ मुंह करके नमाज अदा करते हैं, इसीलिए इसको लेफ्ट साइड में बनाया गया है, पश्चिम साइड में बनाया गया है। इसी के बिसाइड बोले तो जो ताजमहल है इसके राइट साइड में बिल्कुल सेम ऐसी ही रेप्लिका, बोले तो एक जैसी सिमेट्रिकल एक और बिल्डिंग है, लेकिन वो दिखने को तो आपको ऐसा लगेगा कि हम रॉयल गेस्ट, वो रॉयल मस्जिद देख रहे हैं, लेकिन वो रॉयल मस्जिद नहीं है, वो रॉयल गेस्ट हाउस है, शाही मेहमान खाना, जिस जगह पहले कभी रॉयल फैमिली के लोग एक या दो दिन पहले आते थे और उसमें ठहरते थे, रुकते थे, स्टे करते थे। क्योंकि 400 साल पहले आगरा में कोई भी रुकने के लिए होटल, रिसोर्ट, धर्मशाला नहीं हुआ करती थी, तो जो भी रॉयल फैमिली के लोग थे वो वहाँ पर आके स्टे करते थे। और फुल मून नाइट जो शरद पूर्णिमा अक्टूबर में आता है, उस रात से एक या दो दिन पहले आते थे, नमाज अदा करते थे। वही पैटर्न ताजमहल में चलता है, शरद पूर्णिमा की रात को, फुल मून नाइट को 760 रुपये का टिकट लगता है फॉर इंडियन। जैसे अभी हमने 50 रुपये का टिकट लिया है, वो हमारे लिए उस रात के लिए 760 रुपये का लगेगा, जो कि एक दिन पहले ही बुक करना पड़ता है। और हमको वो फुल मून नाइट का जो नज़ारा होता है, व्यू होता है ताजमहल का, वो देखने के लिए मिलेगा। अब तो ख्वाब तेरे ये देखे, थोड़ा रिस्क लेके तुझ पे डोरे भी फेंके। सुन 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 जरा तू इसकी धुन, जरा तू कब से होप लेके तेरे डोर पे खड़ा दिल, तेरे इश्क में इश्क में इश्क में बड़ा दिल, छोटे पैक 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 में बड़ा दिल। हम यमुना की तरफ जाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको एक चीज और जानकारी बता दूं कि रॉयल मस्जिद के बगल से जिधर से हम चढ़े हैं उधर की तरफ एक और टिकट विंडो है। वो किस चीज़ का टिकट है? जो आप ताजमहल के ऊपर छोटे छोटे लोग देख रहे हैं, जो आपको लोग दिखाई दे रहे हैं ताजमहल के ऊपर, उसमें जाने के लिए ताजमहल में ASI के द्वारा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो एक जिसका सड़क चल में ताजमहल रहता है, उसके द्वारा एक अलग से टिकट लगाया जा रहा है। जो आपने 50 का टिकट लिया, उसके अलावा एक टिकट और लगता है जो 200 रुपये का टिकट है, जो आप वहाँ विंडो से ले सकते हैं। और उसके ऊपर जाने के लिए आपको शू कवर पहनने की ज़रूरत है, और वहीं से उसका एक एंट्री है, जो आप मेरे सामने झोंपड़ी देख पा रहे हैं, वो वहाँ पे टिकट चेकर ASI के लोग हैं, वो टिकट चेक करते हैं, तभी आप अलाउ करते हैं, और वो 200 रुपये का टिकट रहता है उसके अंदर। जो मैन मुख्य मकबरे में आप जाएंगे ना, जो दो ग्रेव रखे हुए हैं, उसमें जाने के लिए आपको 200 रुपये का टिकट लेना होगा। बताया था कि मैं यमुना नदी की तरफ लेके जाऊंगा, आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये यमुना नदी है, और यमुना नदी के सामने आपको एक फाउंडेशन दिख रहा होगा बीच में, वो जो फाउंडेशन है उस जगह ही और साझा अपने लिए एक काला ताजमहल बनाना चाहते हैं, बोले तो अपने कबर के लिए बनाना चाह रहे थे, लेकिन उनके बेटे औरंगजेब ने ऐसा नहीं होने दिया और वो रुकवा दिया। तो इसी वो रुकाने के बाद उनको हाउस अरेस्ट कर लिया शाहजहाँ ने, मतलब उनके ही बेटे के द्वारा हाउस अरेस्ट किया। आप मेरे सामने एक लंबी दीवार देख रहे होंगे, जो कि आगरा के किले की लंबी दीवार है, जो कि 1 किलोमीटर दायरे में फैला हुआ है। वहीं पे एक जगह है मुसम्मनपुर, मुसम्मनपुर जो मतलब यासमीन टावर के नाम से
जिसे हम साजा की जेल साजा को कैद किया गया था वो चीज़ है वहाँ पे, और साजा को बाकी के 8 साल वहीं गुजारने पड़ेंगे। वहाँ से खुफिया रास्ता भी है ताजमहल के लिए जो कि यमुना नदी के पास ही चलता है, और बाद में यहाँ से भी एक खुफिया रास्ता है वो भी यमुना नदी के पास निकलता है। यमुना नदी से नाव के द्वारा साजा की लाश मरने के बाद उसी खुफिया रास्ते से लाकर ताजमहल के अंदर दफनाया गया था। अब हम आ चुके हैं रॉयल गेस्ट हाउस में। पहले जो था वो रॉयल मॉस्क्यू था, और ताजमहल के इस साइड में रॉयल गेस्ट हाउस है, तो यहाँ पे आना अलाउड है और यहाँ पे आप फोटो वगैरह वीडियो वगैरह बना सकते हैं। दिल से तेरे दिल का मेरे रिश्ता जुड़ गया, चाहतों से तन्हा सा धुआं धुंधला पड़ गया। दिल से तेरे दिल का मेरे रिश्ता जुड़ गया, चाहतों से तन्हा सा धुआं धुंधला पड़ गया। अब तू ही तू शाम है और तू ही है। दोस्तों, ताजमहल के अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, लेकिन जहां ताजमहल बना है उस प्लेटफॉर्म पे आप वीडियो भी बना सकते हैं, आप फोटो भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 200 रुपये का अलग से एक टिकट लेना पड़ेगा। जैसा कि हमने पहले बताया था, पहले ये फ्री हुआ करता था, लेकिन जैसे ही रश बढ़ रहा है, लोगों की तादाद बढ़ रही है, तो जो ASI है उसने एक टिकट बना दिया है इसके लिए कि आपको अलग से 200 रुपये का टिकट लेना, तभी आप प्लेटफॉर्म तक जा सकते हैं। अंदर की वीडियो मैंने आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि अंदर अलाउड नहीं है, तो ये छोटी सी वीडियो मैंने चोरी चुपके से बनाई है आप लोगों के लिए। तो अंदर कुछ खास नहीं है, आप कब क्योंकि कबर तक जाने नहीं दिया जाता, तो आप अंदर जाते हैं, कबर के चारों तरफ राउंड लेके आप सीधे बाहर आ जाते हैं प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, इस ब्लॉग में इतना ही था, आपको ये कैसा लगा आप मुझे बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए देखते रहिए KB मोमेंट्स। बाय बाय, टेक केयर।